इसने कोड के रखे हैं कोड वर्ड में कोड है ना सिंपली जादू टोना लिख रहा हूं इसमें बाकायदा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का लोनी इलाका, यहां एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सामने आया। पुलिस ने इसकी वजह बताई तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से जुड़ी ताबीजें, पर मुस्लिम बुजुर्ग ने इस मामले को बहुत खतरनाक शक्ल दे दी। उसने दावा किया कि मारपीट करने वालों ने उससे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए। यह दावा पुलिस की पड़ताल में गलत पाया गया। इस दावे के गलत होने के साथ ही बुलंदशहर के अनूप शहर के रहने वाले 72 साल के अब्दुल समद सैफी के बेटों ने फिर से नए आरोप गढ़े। झूठ को सच बनाकर उतारा गया। दरअसल पुलिस की पड़ताल में पता चला है यह पूरा विवाद ताबीज की वजह से हुआ। अब्दुल समद ने प्रवेश नाम के एक शख्स को ताबीज दी थी। ताबीज ने असर नहीं किया। 5 जून को अब्दुल समद से प्रवेश ने मारपीट की, लेकिन अब्दुल समद के बेटे बबलू सैफी ने इस बीच एक नए झूठ को रचा। उसने कहा यह बेबुनियाद है कि मेरे पिता ताबीज देने का काम करते हैं, हम लोहार बढ़ई का काम करते हैं। हालांकि जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब्दुल समद के झोले से ताबीजें और तंत्र मंत्र की कई चीजें मिली हैं। इसके साथ ही बुजुर्ग खुद इन बातों को कबूल रहा है। जो दोबारा आया था तू करने किसने कराया था? इंतजार ने इंतजार ने कह के भेजो कह के भेजा के जी ने मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देके गए हो? अच्छा हाँ बस जी ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने से। ये झूठ तो फोन बोल के गया ना तू, ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे घर में पड़े थे झूठ रहे थे नहीं? हाँ हाँ इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, ये क्या भेजो इंतजार ने? बस बस। इन सबके बीच अहम यह भी है कि जिन लोगों ने बुजुर्ग की पिटाई की उसमें से ज्यादातर युवक खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं। सवाल यह उठता है कि ताबीज के जरिए लोगों को गुमराह करने के बाद सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश किसके इशारे पर की गई? भगवान राम और वंदे मातरम को इस विवाद से जोड़ने की साजिश किसने की? बुजुर्ग और उसके परिवार वालों के कई झूठ उजागर हुए हैं, आखिर इन्हें कौन बरगला रहा है? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा कोना सद्दाम है। सर मैं मोड़ी का रहने वाला, हाफिज बोर्ड थाना सोसाइटी में रहता हूँ मैं, लोनी बॉर्डर थाना लगता है। सर ये मेरे लड़के का, मेरी घरवाली का दूध नहीं कर रहा था, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा था। तो सर आके मैं बोला सूपी जी, ऐसे मैंने सूपी जी के पास फ़ोन करा था। सूपी जी बोले एक काम कर, 3 अंडे, 2 लड्डू, 1 सिगरेट, 1 अगरबत्ती का पैकेट लिया जाके। बोले ठीक है, जाके ले आया, 7 बार उतार के ना कुत्ते को खिला दिए। ठीक है सर। मैं बोला सूपी जी आप कब आओगे? मगर मैं 2-3 दिन में, मेरी तबीयत ख़राब है। तो सूपी जी 5 तारीख को आए, 5 तारीख के बाद आए तो वो इंतियार भाई के पास आए थे। इंतियार भाई बोले मुझसे इनको लेके पंथला चला गया परवेश के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेश का फ़ोन आता रास्ते में, तो परवेश बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उनको आ गया 5 मिनट में, ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया। तो वहाँ पर किसी ने, परवेश ने फ़ोन करा आदिल को, आदिल के साथ 3-4 लड़के आए। तो और तो फिर इंतजार भाई के पास फ़ोन करा परवेश ने, मुझे ऐसे ऐसे सूफी जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तैने इंतजार ने करवाया तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर, मुझे इसके घर को मेरे ऊपर करवा दे। ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतजार को बुलाया वहाँ पर, तो सूफी वहाँ पर नाट गया, सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर, परवेश के भी थे 5-6 लड़के। ठीक है सर। तो वहाँ जा वहाँ पर आने के बाद अनस, आवेश, आदिल, बिहारी बाबू बिहारी और आवेश। पूरी मारपीट की घटना हुई प्रवेश के घर पर हुई? ये कोई जंगल की लोकेशन नहीं है, बल्कि एक स्थानीय कॉलोनी में हुई। और हम लोगों ने उस घटनास्थल का भी निरीक्षण किया ठीक से, और वहाँ पर ये पाया गया। अड़ोस पड़ोस से भी बातचीत करी कि ये लोग सब एक दूसरे से पूर्व के परिचित हैं,
एक दूसरे से मिलना जुलना भी था और ये तावीज़ वगैरह का भी जो बताया गया है उसकी भी पुष्टि हुई है। इसी क्रम में हमने कल जो दो लोगों को गिरफ्तारी की है उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया है और अभी हम लोग जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं।